फ्रेंड मोहम्मद जो सिद्दीकी cgmastergroup.com की तरफ से। और आज हम स्टार्ट करेंगे वैसे कि जो है इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर को हम किस तरीके से यूज करते हैं उसकी बात करेंगे, और किस तरीके से इसके जो टूल्स हैं उनको किस तरीके से यूज करेंगे। मैं कोशिश करूँगा जो है अपने आसान से आसान तरीके से आप लोगों को जो है अपने टूल्स को जो है सिखाऊँ, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेटर। और सबसे पहले हमारे ऊपर जो ऑप्शन आ रहे हैं आपको दिख रहा है, ये मेन्यू बार है, ये हमारे टूल्स बार हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा और न्यू फाइल को क्रिएट करूँगा, ठीक है, तो ये मेरी रिसेंट फाइल्स हैं जो मैंने अपनी क्रिएट की हैं। उसके बाद ये सेव फाइल्स हैं जो मैंने यहाँ सेव किया है होगा, वो मेरा सेव दिखाएगा। ये मोबाइल का जो है मेरे पास प्रीसेट मिलते हैं वाइट होल, हम इनको जो है चेंज कर सकते हैं जो जिसमें भी आपको डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वेब का आ रहा है। बेसिकली हम जो है वर्क अपना वेब के अंदर करते हैं। अगर कोई कहता है आपसे कि प्रिंट के लिए कि हाँ मुझे जो है वो प्रिंट करके दिखाओ, तो सॉरी प्रिंट के लिए जो है मुझे डिज़ाइन क्रिएट करके दें, तब आप प्रिंट पे करोगे क्रिएट, ठीक। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। मोबाइल वो सॉरी वेब के अंदर आपको जो कलर है वो RGB मिलेगा, ठीक है। और आप यहाँ से इसके हाइट विर्थ जो है हमारी विर्थ एंड हाइट को चेंज कर सकते हो। यहाँ जो है हमारे पास पिक्सल है, पॉइंट्स हैं, पिक्सल हमारे इंचेस हैं, इनको यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जिस में भी आपको क्रिएट करना है अपना साइज के लिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लैंडस्केप मिलेगा और पोर्ट्रेट जो है पोर्ट्रेट मिलेगा, ये यहाँ पर ये आर्ट वर्क है। आर्ट वर्क की बात हम अभी बाद में करेंगे किस तरीके से हम आर्ट वर्क को यूज करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये टॉप है हमारा कि आपको जो है ब्लिन कितना चाहिए और बॉटम में ब्लिन कितना चाहिए, लेफ्ट में कितना चाहिए, ये हमारा इन डिज़ाइन का पार्ट है। ये क्या करेगा कॉर्नर से थोड़ा सा उसको कर देगा। ये हमारे कलर्स हैं जो हमारे मोड होते हैं वो हैं आपको किस मोड में वर्क करना है, ठीक है, RGB में करना है, CMYK में करना है, ठीक है, इसको स्मिक भी कहते हैं, ठीक। तो हमें बेसिकली RGB में वर्क करना है। यहाँ पर आपका रेस्टराइज इफेक्ट है तो आपको रेजोल्यूशन, इसे रेजोल्यूशन भी कहते हैं, तो रेजोल्यूशन कितना चाहिए आपको, ठीक है, आपको 70:20 में चाहिए या आपको अपना हाई रेजोल्यूशन चाहिए 300 PPI में, ये आपके ऊपर है जो भी चाहिए। मैं भी बेसिकली जो है अपना हाफ ले लेता हूँ मीडियम। उसके बाद हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू है, ये पिक्सल है, आपको किस में भी अपना जो है वो प्रीव्यू देखना है तो मुझे वही डिफॉल्ट रहने देना है, ठीक है। मोर सेटिंग्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका वही है आर्ट वर्ड है हमारे पास, हाइट विड्थ है, टॉप है, RGB मीडियम सेम वही है जो यहाँ दिया, ठीक है। तो हम अपना एक पेज क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम पेज क्रिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी बार जो है वो क्रिएट हो गया। प्रॉपर्टी व्यवहार के बाद में अब हमें कुछ ऐसे डिज़ाइन को अपने किसी रेक्टेंगल को या किसी चीज़ को मूव कराना है, तो हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे अपने एक, मैं बेसिक रेक्टेंगल को क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं हम यहाँ से अपना, ठीक है। फिर इसको हमें मूव करना है तो हम लेंगे अपना सिलेक्शन टूल, ठीक है। अभी आपको जो है पॉइंट शो हो रहे होंगे, ये वाइट वाइट ये देख रहे हैं वाइट वाइट, मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ तो देखते होंगे उस पर वो नहीं करते हैं। ये जब मैं यहाँ राउंड करूँ तो वो क्या करें इस तरीके से हमारा शेप को राउंड कर दें, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको अपने इस कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बेसिकली देख रहे होंगे आप कि ये चारों कॉर्नर जो है वो राउंड हो रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा एक कॉर्नर राउंड हो ना कि ये चारों, तो हमारे पास दूसरा यहाँ पर टूल मिलता है डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे सिंगल इस पर, ठीक है, जो हमारा एंकर पॉइंट है, और उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको मूव करेंगे। पहला तरीका तो ये हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि ये एंकर पॉइंट जो शो कर रहा है ये नहीं करता है, तब हमें क्या करना पड़ेगा और राउंड भी करना है, उसके लिए हमारे लिए यहाँ ऑप्शन मिलेगा कॉर्नर पे, आप यहाँ से जितना चाहो तो उतना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, इस तरीके से इसको सिलेक्ट करो और बीच का जो आपका व्हील है उसको मूव करते चले जाइए आगे के लिए, ओके। तो
तो हमारा जो है बेसिक फंडामेंटल हो गया। उसके बाद हमारे पास मैजिक बैंड टूल है, लासो टूल है, ठीक है। तो इनका मैं जो है आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यूज़ होते हैं। ये बेसिकली कला थोड़ा सा भी बैठा हुआ है। फिर मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, और उसके बाद मैं यहाँ इसको एक कॉपी के लिए सेलेक्ट करके छोटे छोटे जो है कुछ क्यूब्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑल्ट के साथ एक कॉपी, कंट्रोल के साथ डी, डुप्लीकेट निकलता है कंट्रोल डी से, ठीक है, यहाँ पे से, ठीक, कंट्रोल डी। और क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ ये, ठीक है, इनका कलर हम चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद ऑल्ट के साथ एक कॉपी निकालते हैं, ये वाला जो है इसको उठा के इससे ले आते हैं, ठीक। अब मैं जो मेरे मैजिक बैंड टूल है वो क्या करता है, बेसिकली मैजिक बैंड टूल जो है वो हमारा जो कलर शो हो रहा है ये सिंगल कलर, इसको पिक करेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जितने मेरे यहाँ पर उसके रेक्टेंगल होंगे उन सबको वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक। लासो टूल क्या करता है, बेसिकली जो हमारे एंकर पॉइंट होते हैं ये इनको सिलेक्ट करेगा वो, ठीक। मैं अगर इस सिंगल क्यूब को इस तरीके से सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक। इस तरीके से इसकी आगे बात करेंगे जो हम डिटेल में कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद पेन टूल है। पेन टूल का यूज हम जो है ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से ही करते हैं। इसमें इलस्ट्रेटर के अंदर पेन टूल का बहुत बड़ा किरदार है। हम इसको डिलीट कर लेते हैं और आते हैं एक बेसिक सी कार्टून्स को क्रिएट करने के लिए। मैं एक डिज़ाइन ले लेता हूँ जो कि मेरे पास बड़ा होगा, ठीक है। एंड चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जो कार्टून्स का एक कोई डिज़ाइन हो जो मैं आपको समझा पाऊँ। चलिए कोई नहीं, मैं एक लोगो को जो है ले लेता हूँ, जो मेरे पास लोगो जो है। और पेन टूल को भी छोड़ना पड़ेगा हमारे लिए, बट हम 2D डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उसी तरीके से अपना 2D इमेज के अंदर आते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। तो इसी शेप मेरे पास ये है एंड मेरे पास एक शेप ये है, तो हम एक डिज़ाइन ये वाला ले लेते हैं जो कि हमारे पास है, और इसको या हम इसको एक ले लेते हैं, दोनों में से एक जो सा बेटर लगे आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये डिज़ाइन ले लेता हूँ और इसको छोटा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, ठीक, जो इक्वल हो। फिर आते हैं यहाँ और इसको लॉक कर लेते हैं, जैसे कि ये मूव ना हो यहाँ से। सेम तरीके इसको यूज़ करते हैं, इसको भी लॉक कर देते हैं और फिर पेन टूल लेते हैं अपना। इसको हमें क्रिएट करना है तो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, पहले आते हैं अपने यहाँ हैंड पर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, इसको ड्रॉ करना है और जो कलर है हमें इसको कलर को नन करना है। जैसे कि मेरे पास अभी कलरफुल है, यहाँ से आप नन कर सकते हो उस कलर को, ठीक। उसके बाद हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे इसको, सेम इसको भी इसी तरीके से, इसको भी इसी तरीके से, ठीक है। एंड हम इन फिंगर्स को जो है वो अलग से क्रिएट करेंगे अपने,
इस तरीके से। तो बेसिकली जो है पेन टूल हमारा ट्रेसिंग के लिए हम जो है कह सकते हैं यूज़ करते हैं, और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतर बेहतर डिज़ाइन को हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसको भी इस तरीके, ठीक है, इस तरीके से क्रिएट किया। उसके बाद फिर हमें इसको डिजाइन को क्रिएट करना है। तो फिर अब एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो वो क्या कर रहा है, माइनस का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो अब मेरे जो मैंने अभी क्रिएट किया है डिजाइन उसको वो कर देगा आपका माइनस। तो क्या करना है हमें, वी प्रेस करना है, सिलेक्ट करना है, और ऑब्जेक्ट के अंदर आप आओगे, इसको लॉक कर दोगे यहाँ से, ठीक है, जो सिलेक्टेड है वो लॉक हो जाए। फिर दोबारा से यहाँ पेन टूल लोगे यहीं से, और पेन टूल से फिर से यहाँ से एक अपने लैंड को इस तरीके से आप क्रिएट करोगे, ठीक, इस तरीके से। फिर ये है, ये फिर ये क्लिक करो। यहाँ जो हमारे बाहर के जो शेप है केवल उसी को हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो इस फेस बार लेफ्ट क्लिक कर जो है सेलेक्ट करके उसके बाद इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, स्पेस बार के साथ में लेफ्ट माउस बटन से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। जूम करने के लिए आप व्हील का यूज करोगे, जो हमारा बीच में व्हील है ऑल्ट के साथ, क्लिक क्लिक, ठीक है, एंड बिल्कुल इसके ही अकॉर्डिंगली यहाँ शेप को सेट कर, ठीक है। उसके बाद हम ये क्रिएट करते हैं अपना, क्लिक जैर इस तरीके से, और यहाँ से इसको राउंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ शायद ये मेरा जो है डिज़ाइन क्रिएट हो गया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है अनलॉक ऑल, ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमारे पास क्रिएट हुआ पहले से ही है, ठीक है। कभी कभी ये शो नहीं होता तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर ऑल्ट के साथ सॉरी कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो ये वायर फ्रेम में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। सॉरी इसकी ठीक है, इस तरीके से ये शो हो जाएगा। बट अभी प्रॉब्लम ये फेस हो रही है कि मैं अगर इस लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो हमने पाथ को क्रिएट किया है कंट्रोल के साथ एक्स, ठीक है, और एक लेयर को क्रिएट करेंगे कंट्रोल एफ, ठीक है, और यहाँ इसको लॉक कर देंगे जो हमारे पास लेयर है, और चेक करते हैं इसको नीचे लेके आते हैं। फिर हमारे पास जो पाथ है जो हमने पाथ को क्रिएट किया है सेम उसी तरीके से हमारे पास जो पाथ है इनको सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने क्या किया कि इनको पेन टूल से यहाँ पर जो डिज़ाइन दिख रही है इसको इस तरीके से क्रिएट किया। फिर ये जो पाथ है उसको यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, एंटर। फिर जो ये वाला पाथ है हमारे पास इसको यहाँ में अटैच कराना है, तो इस
यहाँ इस तरीके से। फिर हमारे पास यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर इसी तरीके से ये डिज़ाइन को क्रिएट करो और फिर यहाँ आइए। ठीक है, और जैसे ही आप करोगे यहाँ क्लिक, तो इसको एंटर प्रेस करना है आपको। ठीक है, अपना जो है पाथ को क्लोज करने के लिए इस तरीके से कंट्रोल जेड क्लिक क्लिक, पेंट टू क्लिक क्लिक, इस तरीके से रॉन्ग। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्लिक, हल्का सा एंटर, सेम जो डिज़ाइन है उसको भी हमें इसी तरीके से क्रिएट करना है। तरीके से फिर यहाँ, फिर यहाँ आओ, फिर उसको राउंड करो, क्लिक, इसको यहाँ से लो। और आपको इसी तरीके से जो है पहले प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से कम इस चीज़ की प्रैक्टिस आप 5 से 7 दिन करोगे, तब आपको जो है इस तरीके का जो है ना एक आउटपुट मिलेगा देखने को। जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आए और इसको क्लोज किया। ठीक, फिर हमारे पास जो सेव है वो ये है, क्लिक एंटर क्लिक कंट्रोल वैन एंटर क्लिक कंट्रोल के साथ में इस तरीके से सेव को क्लिक करो एंटर। फिर यहाँ आओ क्लिक, फिर इसी तरीके से यहाँ आते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिक पेन टूल का यूज़ बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है, बाकी जो है इसके एडवांस स्टेज जो है वो क्या है वो आगे अभी हम बात करेंगे जब हम 2D लोगो को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमारा जो है वो हैंड तैयार हो गया, एक हमारा ये जो है थंब बचा, तो हम पहले इसको भी इसी तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। फिर यहाँ से इसको भी, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ आए, हल्का राउंड किया, फिर यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से, पेन टूल से इसको क्रिएट करो। लाइन को, इसकी जो लाइन है एंटर, लाइन टूल को फिर क्रिएट किया इसी तरीके से और एंटर, लाइन टूल को फिर दोबारा क्रिएट किया। ठीक है, एंटर, फिर इसको लाए क्लिक, फिर क्लिक इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ से आए क्लिक, फिर यहाँ से क्लिक, और इसको सॉरी थोड़ा सा जेड करते हैं, क्लिक कंट्रोल जेड के साथ में हो गया, ये डिज़ाइन हो गया हमारे पास। ये थोड़ा सा क्रिएट करना है एंटर, उसके बाद इसको क्लिक। ठीक है, उसके बाद ये लाइन है हमारे पास, इस लाइन को क्रिएट करते हैं, सेम यहाँ पर आते हैं इसको क्रिएट करते हैं, ये आते हैं यहाँ क्रिएट करते हैं, ये लाइन है थोड़ा सा अंदर से ले लेते हैं थोड़ा, और इसको भी कंट्रोल के साथ क्लिक। ठीक, क्रिएट एंटर, फिर इसको आते हैं यहाँ क्लिक करते हैं, उसके बाद ये वाली लाइन है इस तरीके। ठीक है, तो मेरे पास ये सेव जो है सारी क्रिएट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इनमें हमें जो है वो कलर को फिल करना है, तो इसको ऑफ कर लेते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए डिज़ाइन मेरा जो है वो कम्प्लीट।
लेजिट है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने पेन टूल से, और यह जो आई ड्रॉपर दिख रहा है आपको, ये इसको सेलेक्ट करना है और पिक करना है कलर। फिर हम क्या करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये शेप है आई ड्रॉप से, इस कलर को फिल करते हैं। अभी हमारा स्ट्रोक जो है वो नन हो रहा है, हम क्या करेंगे कि फिर इसको सेलेक्ट करेंगे आई ड्रॉप से, इसके कलर को फिल करेंगे। जितने भी हमारे पास शेप हैं इनका स्ट्रोक जो है वो हम दोबारा से डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ वाइट कलर है तो सेलेक्ट करेंगे दोबारा एंड वाइट कलर को आई ड्रॉप से फिल कर देंगे, ठीक है। सेम जो है हम यहाँ पर जो है इसको वाइट डिफॉल्ट कर लेते हैं तो हमारा स्ट्रोक आ जाएगा साथ में, ठीक। सेलेक्ट करो इसको आई ड्रॉप से, इसको और से फिर भी, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं एंड आई ड्रॉप से क्लिक, फिर यहाँ आए क्लिक आई ड्रॉप से यहाँ, फिर क्लिक किया वी, ठीक है, आई ड्रॉप से क्लिक, ओके। तो हमारा जो हैंड था वो क्रिएट हो गया, चेक करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल के साथ आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे तो ये आपको सेफ शो होगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, देखा है ये। यहाँ पर मुझे एक आउटलाइन और देनी होगी यहाँ से यहाँ के लिए, तो आप इस तरीके से एक आउटलाइन को क्रिएट करोगे एंड एंटर एंड आओगे एक्स की एंड ऑफ, सेम यहाँ देनी है। तो पेन टूल से इस लाइन को क्रिएट करोगे, ठीक है, इस तरीके से क्लिक एंटर एंड आई ड्रॉप से आओ सेलेक्ट करो मूव कराओ चेक करो, ये देखिए, ठीक है। अब जो हमारे पास जो शेप है हैंड के, इसको सेलेक्ट करो कंट्रोल के साथ एक्स, ठीक है, एक ही लेयर पे लेके आओ एंड कंट्रोल के साथ टू वी, सॉरी कंट्रोल एक्स कंट्रोल एफ, एक ही जगह कंट्रोल एक्स कंट्रोल एफ क्या करता है बेसिकली वो मैं बताता हूँ आपको। आप उसको पेस्ट इन प्लेस भी कर सकते हो। कंट्रोल एफ करता है, जहाँ से हमने कंट्रोल एक्स से मैंने किया तो उसने क्या किया, उसको कट कर दिया इस जगह से, एंड कंट्रोल एफ करूँगा तो उसी जगह पे वो फ्रंट में ला के उस लेयर को प्लेस कर देगा, मतलब पेस्ट कर देगा। उसकी शॉर्टकट की आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है पेस्ट इन फ्रंट, ठीक है, एंड पेस्ट इन बैक, ये इसकी जो है इसके बैक में जो है इसको पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बाद में करेंगे, बेसिक जो हमारा डिज़ाइन बनना है उस पर हम अभी फोकस करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये शेप दिख रही है तो हम इस शेप को क्रिएट करते हैं यहाँ, ठीक है, एंड यहाँ से कभी इतना बाहर जो है वो शो होगा नहीं। यहाँ से लो कलर फिल कर लो, फिर यहाँ पर जो है एक काम करते हैं ये कलर ही फिल करते हैं, इससे कि हमें शो हो जाएगा, एंड इसको करते हैं अरेंज टू वैक, ओके, ये ठीक है। तो ये हमारा हैंड हो गया, तो ये हमारा है लेफ्ट हैंड, इसको नाम दे दो लेफ्ट हैंड, ठीक है, और इस पे लॉक कर दो जिससे कि ये मूव ना हो, और इसे इस तरीके से अपना देखो पहले नहीं हो रही थी प्रॉब्लम आ रही थी, अभी देखिए हो रहा है ये, जिससे कि मुझे शो होता रहे कि हाँ मैंने जो डिज़ाइन क्रिएट किया है वो मेरा क्रिएट हो हुआ है, जिससे कि मैं दोबारा से मेहनत ना कर पाऊँ। दोबारा हम देते हैं यहाँ यहाँ पर नाम अपना फेस, ठीक है, फेस। कोशिश ये करिएगा कि आप लेयर बाय लेयर वर्क कर सकें फेस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं पेन टूल से इस डिज़ाइन को यहाँ से क्रिएट करते हैं, इस तरीके से नेक है, सॉरी, जो मैं पहले फेस को क्रिएट करता हूँ, तो फेस हमारा ये है एंड यहाँ से लाएं इस तरीके से, फिर ये क्योंकि हमारा ये इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है तो नॉर्मली इसी तरीके से इसको ट्रेस कर लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ट्रेस करके। वीडियो को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, आओ क्लिक, फिर यहाँ ये, और इस तरीके से, ठीक है, बस हो गया।
हमें नोच क्रिएट करनी है तो नोच को भी पेंट टूल से ही क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से। हाँ ठीक है, अभी एक चीज़ को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से भी थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। अभी एक चीज़ आप देख रहे होगे कि जो प्रॉब्लम आ रही है ये है, ए स्क्रू ये है। ठीक है, इसे सॉल्व करना होगा तो यहाँ से हम से हैंडल को इस तरीके से मूव कराएंगे बाहर के। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ से पेन टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना अपने पास एक मिलता है यहाँ पर एलिप्स, इसको क्लिक करते हैं और इस तरीके से इसको डिज़ाइन को यहीं राउंड कर लेते हैं वी। और इस तरीके से सेट करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर दोबारा से एक के लिख लेते हैं और इसको भी इसी तरीके से राउंड मूव। ओके ठीक है, अब इसके जो हमारा वो है मौत, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं हम उसको लिप्स का। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस तरीके से किस किस के नाम देते हैं। यहाँ पर हम इसको फेस को लॉक कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से लॉक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, ये आओ इसको लो यहाँ से हाफ, सॉरी इस तरीके से, इस तरीके से एंड यहाँ से इसको इस तरीके से। ठीक है, यहाँ क्लिक करो, ये जो शेप है शेप को दो, यहाँ पर क्लिक एंटर, फिर यहाँ आओ आ इसको दो एंटर, पेन टूल से इसको क्रिएट करो, ये लाइन है हमारे पास ये एंटर। हल्के हल्के सेम डिज़ाइन के दिख रहे हैं, तो आप उनको बाद में अपने फेस को सिलेक्ट कर लो, अनलॉक कर लो और ये डिज़ाइन यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट कर लो। क्लिक, ठीक है एंटर, फिर आप लॉक कर दो। उसके बाद फिर से लिप्स को सिलेक्ट कर लो, लिप्स को सिलेक्ट करने के बाद जो टीथ हैं टीथ को जो है वो क्रिएट करना है, तो टीथ को क्रिएट करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले ये एक शेप को जो है वो क्रिएट कर लें। ठीक है, कंट्रोल जेड, क्लिक 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 क्लिक, राउंड यहाँ से शेप, क्लिक क्लिक, और जो है हमारे लिए लिप्स के अंदर जो है लिप्स के अंदर जाएगा, तो हम यहाँ से इस तरीके से शेप को आराम से राउंड कर लेते हैं, देन क्लिक एंड ओके। ठीक, सेम यहाँ आते हैं सिलेक्ट करते हैं, ये आते हैं यहाँ से लेके शेप को अपने इस तरीके से यहाँ पर इस शेप को, और ये यहाँ पेंट टूल से इस तरीके से अपनी जो शेप है उसको क्रिएट कर देते हैं। फिर हमारे पास जो ये लेंस है इन लेंस को इस तरीके से क्रिएट करते हैं एंटर, लाइन को इस तरीके से क्रिएट करते हैं एंटर। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सेम ट्रिक को अप्लाई करते हैं, यहाँ से इसको एंटर, ये वाली लाइन है तो इसको भी इसी तरीके से एंटर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास नीचे के जो तीर बचे उसको सिलेक्ट करना है, क्रिएट करना है, तो हम ठीक है तो क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं इस पार्ट को ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ आए क्लिक इस तरीके से राउंड, क्लिक फिर यहाँ लाए एंड क्लिक, फिर यहाँ यहाँ फिर यहाँ पेन टूल से क्लिक की इस तरीके से क्रिएट किया। ठीक है, फिर यहाँ इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, और यहाँ से इसकी जो है शेप को डिफाइन किया एक अपने तरीके से, फिर इसको यहाँ लाया। फिर यहाँ इसको क्लोज कर दिया। ठीक, यहाँ पर जो लाइन है इन लाइन्स को क्रिएट करना होगा, तो लाइन को क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से एंटर, फिर ये लाइन है ये है ये एंटर, फिर ये
कंट्रोल के साथ सेट एंड थोड़ा सा यहाँ लेके आओ एंटर, फिर ये लाइन है इसको इसी तरीके से, ये लाइन है इसको यहाँ, ये लाइन है इसको इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद ये लाइन है यहाँ, इसको इस लाइन को लिया और यहाँ एंटर, फिर यहाँ से इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ आया इस लाइन से इसको, पेन टूल से वो अपना डायरेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा मूव करो नीचे को। ओके, अब हमारे पास जो बचा जो है इसके टंक बची, तो हम इसको भी इसी तरीके से क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से अपने पेन टूल से, क्लिक एंड यहाँ आए और क्लिक, पेन टूल से। अब हमारे पास जो है वो ये हमारा मौत क्रिएट हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ कलर कर लेते हैं अपना, पहले सेलेक्ट करते हैं इसको आई ड्रॉप से क्लिक, ठीक, फिर यहाँ आए क्लिक किया आई ड्रॉप से, फिर यहाँ सेलेक्ट किया आई ड्रॉप से, फिर वी क्लिक किया आई ड्रॉप से, ठीक, एंड क्लिक किया। अभी हमारा जो बैक की जो हमारा ये वाला लेयर जो है पार्ट, इसमें कलर फिलिंग अब हो गया, ठीक, प्रॉब्लम सब में सेम ही है, तो हम इसको अभी जो है अपने लेयर्स को ऑफ कर देते हैं। फिर क्या करते हैं कि सब कुछ सेलेक्ट करते हैं एक साथ इस तरीके से, ठीक है, और जो स्ट्रोक है हमारा, इस स्ट्रोक को कलर देते हैं ब्लैक, फिर क्या करते हैं कंट्रोल के साथ क्लिक और चेक करते हैं, ठीक है, एंड हैंड जो है हमारा ये है, तो इस पर चेक कर। ओके, अभी यहाँ पर जो कलर है ये लाइट आप देख रहे हैं कि कलर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इस कलर को एक्सप्रेस करेंगे नन, क्योंकि हमें ये कलर चाहिए ही नहीं कहीं पर, ये कलर है ये है, ठीक है, नन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा जिगजैग हो रहा है, तो आप क्या करोगे रिप्रेस करोगे इसको, यहाँ से एडजस्ट करोगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ आप चेक करो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी ये प्रॉब्लम फेस हो जाएगी इसी से ही इस तरीके से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सोच ली नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ कलर फिल है, ठीक है, तो टीथ हमारे जो है वो तैयार हो गया, टीथ ये है हमारे पास, तो रिप्रेस करो चेक करो ये कहाँ का पार्ट है, ये हमारा ये है, तो इसको सेट करो हल्का सा जैसे कि, ठीक है, अब हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं अपने टीथ के लिए, ठीक है, कंट्रोल के साथ जी, जिससे कि मैं जहाँ कहीं पे भी मूव करूँ तो वो एक साथ जाए, फिर इसको भी हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं और लॉक, ठीक, लॉक इसको, लॉक इसको, लॉक एंड इसको ऑन। उसके बाद फिर पेन टूल ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ नाम दे देते हैं हम अपना पेन टूल का, ठीक है, तो हमारा जो है वो इसकी होंगी आई, ठीक है, तो क्लिक करो यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से, क्लिक इस तरीके से, ये लाइन है हमारे पास, इसको क्लिक करो, फिर ये लाइन है क्लिक, फिर ये जो दिख रहा है आपको हल्का सा शेप, इस शेप को क्रिएट करना है, तो यहाँ से इस तरीके से इस शेप को हम अपना क्रिएट कर लेंगे, ठीक, सेम हमारे पास जो ये डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को भी हमें क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से आओगे इस तरीके से, ठीक है, कंट्रोल के साथ जो है क्लिक क्लिक ए, फिर जो आपको ये दिख रहा है हल्का सा डिज़ाइन, तो आप क्या करोगे इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ले लोगे,
जो है हमारे पास ये, उसको इस तरीके से क्रिएट करो। सेम इसी तरीके से यहाँ ले आओ, यहाँ पर दिख रहा है तो वहाँ पेन टूल ले लो, क्योंकि यहाँ रोटेट करना पड़ेगा, हमें रोटेट करना नहीं है क्योंकि ये कमांड बता ही नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, क्लिक, फिर यहाँ आओ, इस तरीके से, ठीक। सेम जो हमारे पास ये है, ओके, तो हमारी आई रह गई, तो हमें आई को क्रिएट करना है अपना एलिप्स से, तो एलिप्स को सिलेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसे मैच कराते हैं, ठीक है। हम कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसको मूव कर सकते हैं जो जहाँ पे भी हमें इसे प्लेस कराना है। क्लिक किया, ठीक है, तो हल्का सा सॉरी रोटेट हो रहा है, हल्का राउंड है यहाँ पर, इस तरीके से इसको हल्का सा नीचे लाओ, इसको थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारे पास कर्लर आ जाएगा आई ड्रॉप से। उसके बाद यहीं पर हम फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं इसका स्केल टूल है, क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं अपना 80%, ठीक है, तो इस तरीके से सेट कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी आई ड्रॉप से कलर फिल करते हैं, फिर पेन टूल ले लेते हैं और इसको यहाँ से सेट करते हैं, क्लिक, फिर सेम यहाँ आते हैं और इस डिज़ाइन को भी इसी तरीके से क्रिएट करते हैं, यहाँ आए और ये, ठीक है, यहाँ पर क्लिक एंटर, फिर हम यहाँ आए, चेक किया ये पार्ट, और यहाँ से इसको एवरो को क्रिएट किया, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारा, ठीक है, आई भी जो है वो क्रिएट हो गया, एंड क्लिक करते हैं हम अपनी आई को, ठीक है, ये वाली हमारी आई है, तो कलर फिल कर लेते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, सेम कलर ये चाहिए, तो यहाँ पर भी हम कलर अप्लाई कर देते हैं, एंड स्टोक जो है इन दोनों को बाय डिफॉल्ट दे देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। मैं चेक करो अपना जो आपने जो क्रिएट किया है कंट्रोल के साथ, ठीक है, इसको बंद करो, देखिए, ठीक है, तो अभी जो कलर है वो हमारा ये है, हमें चाहिए यहाँ ब्लैक, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कंट्रोल जेड कर लेते हैं, जो हमारे पास जो डिज़ाइन क्रिएट किया है ना ये वाला, और ये है हमारे पास ये है, ठीक, देन ये यहाँ कलर हमें लेना है ये, ठीक है, स्ट्रोक जो है उसका नन कर देते हैं, फिर ये जो कलर है हमें यहाँ पर लेना है वाइट, ब्लैक, सॉरी आई डॉप से ब्लैक, यहाँ पर आओ आई डॉपर ब्लैक, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं अपने चेक करते हैं इसको दोबारा से, ठीक है, फिर दोबारा एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ये वाला देखा है तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो शिफ्ट के साथ एक्स करो, इस तरीके से शिफ्ट एक्स, ठीक है, तो शिफ्ट एक्स क्या करता है, ये करता है हमारे स्ट्रोक का फिल में, फिल का स्ट्रोक में जो कलर होता है उसको कर देता है, ठीक है, एक्स करोगे तो ये जो है वो टॉगल होंगे इस तरीके से, ठीक है, जो फिल होगा वो ऊपर आ जाएगा, स्ट्रोक जो होगा वो नीचे आ जाएगा इसका, और आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये शिफ्ट एक्स से कलर को इसके टॉगल करेगा, ठीक है, रिवर्स करेगा, हम ये भी कह सकते हैं, तो कंट्रोल के साथ फिर से हम आए और यहाँ लॉक किया, लॉक करने के बाद अब इसका जो है वो हेयर बनाना है, तो हेयर को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं हेयर, क्लिक, फिर पेन टूल दोबारा सेलेक्ट करते हैं, पेन टूल को सेलेक्ट करने के बाद हम अपना डिज़ाइन जो है वो फिर से क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से आए, फिर ये क्लिक, पेन टूल से इस तरीके से क्लिक, ठीक है, क्योंकि ये हेयर जो है वो हमारे इस तरीके से डिज़ाइन होंगे कि हमारा जो हेयर है वो शो है, जो हेयर है, ठीक, इस तरह, फिर यहाँ आओ,
क्लिक, फिर यहाँ राउंड करो इसे, और ये डिज़ाइन यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। सेम यहाँ क्लिक, बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आप यहाँ से क्लिक, यहाँ पर आओ, सेम उसी ट्रिक को ही यूज करना है आपको। तो यहाँ ये क्या करना होगा, चलिए देखते हैं, वरना हम इसको कट कर देंगे अलग से। वैसे तो हैंड ओवर ही हमारा, कोई इशू नहीं आएगा। तो मैं इसको कंट्रोल वेयर कर लेता हूँ, यहाँ से क्लियर करता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद जो हमारा एरिया है इसको शो करना है, उसके बाद एंड यहाँ तक करना है, क्लिक क्लिक, ठीक है क्लिक, सेम यहाँ डिज़ाइन को जो है करना है इस तरीके से। इसको यहाँ हम क्या करते हैं, लाते हैं, ओके एंड क्लिक, ओके। उसके बाद हमारे लिए जो उसका आपको ऊपर दिख रहा है एयरबैंड, इसको क्रिएट करना है इस तरीके से एंड इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली मैं पेन टूल की जो है आपको ट्रेसिंग बता रहा हूँ, तो इसलिए आप जो जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से ही ट्रेस जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आया इस तरीके से, और यहाँ ये, और ये ऑफ, अब ये एलिप्स दिख रहे हैं हमारे लिए। तो हम फिर से एल प्रेस करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ से अपने एलिप्स को, ठीक है। एक शेप देंगे जो शेप आएगी, एंड वी फॉर विक्टर सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर उसको स्केल करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ, वो ऑल्ट शिफ्ट के साथ, फिर राइट के हम यहाँ पर आएंगे अपना स्केल टूल के अंदर, और इसको स्केल करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। कॉपी, फिर इस पर कलर फिल कर लेते हैं अभी से, जो कि हमें प्रॉब्लम फेस ना हो इसलिए। तो हमने सेलेक्ट किया दोनों को एक साथ, ठीक है, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कलर आई ड्रॉपर से ले लेते हैं, ठीक। यहाँ आए बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं, तो हमारा जो कलर है वो फिल हो जाएगा, एंड कंट्रोल जी, और इसकी कॉपी निकालो, यहाँ से निकालो इस तरीके से सेलेक्ट करके ऑल के साथ, ठीक है। मुझे ये वाला डिज़ाइन क्रिएट करना है एयर का, तो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे इस डिज़ाइन के लिए, ठीक एंड थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है शो करेगा नहीं, फिर बाद में कलर हमारा इस तरीके से, ठीक है। अब जो हमने इनको डिज़ाइन को क्रिएट किया है, तो आप क्या करोगे, इसका कलर फिल करोगे, और जो हमारा स्ट्रोक है उसको ओके करोगे। स्ट्रोक नहीं आया अभी, सॉरी, स्ट्रोक, ठीक है, ब्लैक क्लिक, ठीक है। दोबारा से इसको सिलेक्ट करो, और सेम ही कलर चाहिए, तो यहाँ से आप प्लेस करो, ठीक है। और फिर आओ, यहाँ स्ट्रोक नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से स्ट्रोक ले सकते हैं, वी क्लिक करो, जो हमारे पास यहाँ से लेटर ऑलरेडी है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर भी कलर चाहिए, तो आप यहाँ से भी कलर जो है पिक कर सकते हो, इसका भी कलर पिक, ठीक है। एंड इसको ऑफ करते हैं, एंड कंट्रोल के साथ इन सब को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट। और जो स्ट्रोक है हम इसके स्ट्रोक को फिल कर लेते हैं इस तरीके। अब ये जो देख रहे हैं शो कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा सैड कर लेते हैं। अब ये जो है हमारा यहाँ स्टोक जो है वो ज़्यादा है, तो आप इसको स्टोक को जो है कम करोगे, तो ए प्रेस कर, अपना बी प्रेस करोगे आप, तब आएगा वो स्टोक का ऑप्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्लिक एंड क्लिक, हमारा स्टोक है 0.1 1,
क्लिक, ठीक है, सेम यहाँ से चेक करो, 0.5। इसी तरीके से बैक आओ, एंड ये जो पार्ट है सब को हमें डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा से यहाँ प्लेस करना पड़ेगा डिलीट, ठीक है, ओके। फिर ऑन कर लो इसको, लेयर को अपनी, और कंट्रोल के साथ क्लिक, क्लियर है ये वाली, सेट करो, ठीक है, ऑल के साथ कॉपी, फिर कॉपी कॉपी, इस तरीके से आप इसको प्लेस करो, हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल के साथ फिर से इसको ऑन करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है, ओके। तो चेक करते हैं फिर से कि जो हमारी जो ये वाली लेयर है, तो हाँ ठीक है, जो ये लेयर है ये हमारी, पहले सेलेक्ट करो इसको 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 इस वाली को, और शिफ्ट के साथ ये कंट्रोल जी, ठीक है, और उसके बाद इसे इसे कंट्रोल जी, ठीक है, एंड उसके बाद इसको कर लो हमारा अरेंज टू फ्रंट। तो हमारा ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, देखो, ठीक है। इसका जो कैप है वो क्रिएट करना है हमें, तो कैप क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, पेन टूल लोगे दोबारा से, ठीक है, पेन टूल लिया हमने यहाँ से, और पेन टूल से इसको दोबारा से फिर क्रिएट किया इस तरीके से, और यहाँ पर, ठीक है, एंड हमारे पास जो है एक्स की को प्रेस किया और यहाँ से कलर को ऑफ कर लिया, फिर यहाँ आए, ठीक है, उसके बाद यहाँ से, ठीक है, कोई नहीं, सॉरी, कंट्रोल जेड, फिर यहाँ से इसको तरीके से गिर कर, और यहाँ से क्लिक, 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 ठीक है, क्लिक, यहाँ हमें शेप दिखानी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे ही कर देंगे, फिर जो हैंडल है इस हैंडल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस तरीके से कैप के लिए एक शेप दे देंगे, एंटर, कंट्रोल जेड, फिर आए यहाँ, क्लिक, और ये शेप जो है इसको क्रिएट करना है, क्लिक, यहाँ आओ, फिर यहाँ से शेप को क्रिएट करो, फिर यहाँ हल्का सा शेप दो, फिर यहाँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ आओ, शेप को दो इस तरीके से, ठीक है, क्लिक, फिर यहाँ शेप को दो, ठीक है। फ्रेंड, इलस्ट्रेटर ख़त्म होने के बाद में हमारा एडोब एनिमेट सीसी जो है वो जो 2D एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, मैं उसको स्टार्ट करूँगा आप लोगों की दुआ से, ठीक है। तो फिर क्लिक करते हैं यहाँ से, और एक बिल्कुल बीचों बीच में जो है हमें यहाँ से लैंड लेनी है, तो इस तरीके से, और बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट करूँगा, जैसे कि मैं भी इलस्ट्रेटर स्टार्ट कर रहा हूँ उसी तरीके से। तो इलस्ट्रेटर में भी बेसिक ट्रेसिंग बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊँगा नहीं कि हाँ हम जो है 2D एनिमेट सीसी के लिए किस तरीके से हमने कार्टून की डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। जब हम एनिमेट सीसी को स्टार्ट करेंगे फिर से दोबारा से, अगर ध्यान रहा मुझे, अगर ध्यान ना रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं दोबारा से आपको इलस्ट्रेटर के अंदर जो है बताऊँगा कि किस तरीके से हम कार्टून को डिज़ाइन करते हैं, ओके। तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास जो है हेयर है ऑलरेडी, ठीक है, तो हेयर का हमें एक डिज़ाइन रह गया हमारा ये वाला, तो हमें इस डिज़ाइन को क्लियर करना है जो कि मैं भूल गया, ठीक, इस तरीके से, फिर यहाँ पर ये डिज़ाइन है, मैं इसको भी सेम ले लेता हूँ, क्लिक, क्लिक, पेन टूल से, फिर हमारे पास ये डिज़ाइन है, ठीक है, और ये डिज़ाइन पेन टूल, ठीक है, आई ड्रॉप लो, और पहले वी प्रेस को सिलेक्ट करो, ये वाला, एंड आई डॉट से कलर फिल करता हूँ, ठीक,
एंड जो कलर है ये हमें फ्रेम बैक करना है, तो बैक अरेंज टू बैक, ठीक है, बैक कर दिया। फिर हमें सेम जो कलर है ये वाला जो है जो स्टोक बनाया है ये वाला आई ड्रॉप से लो कलर करो। फिर इसका स्टोक जो है यहाँ से हम दे देते हैं ब्लैक। फिर इसको भी क्या करते हैं वैक, ठीक है, बैक। तो यहाँ अभी एक इशू आएगा, वो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वो मैं कर लूँगा अभी, अपना कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट करना है, फिर से इसका कलर फिल करना है, ठीक है, लाइन का एंड स्ट्रोक जो है देना है हमारे लिए ब्लैक, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास जो कैप है, ठीक, कैप को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला है हमारा कैप, एंड हमारे पास ये है, ये है, ये है, ठीक है, कंट्रोल के साथ जी, और इसको क्या करते हैं कंट्रोल एक्स, एंड एक लेयर को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल बी नहीं कंट्रोल एफ, ठीक है, उसको नाम देते हैं यहाँ पर कैप, ठीक है, कैप, और इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसको फेस के नीचे ले आएंगे और फिर चेक करते हैं। ये देखिए इसको ऑफ करते हैं, ठीक है, तो कलर अभी फिल नहीं हुआ है यहाँ, तो हम उसके कलर को दोबारा से लेयर के अंदर जाके फिल कर लेंगे। आई ड्रॉप लो कलर फिल, सॉरी सेलेक्ट नहीं है लेयर हमारी, कलर को फिल कर लो, फिर बैक आ जाओ, लॉक है तो उसको इस तरीके से सेट कर लो, ठीक है। यहाँ एक प्रॉब्लम ये फेस हो रही है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ लाओगे, ये आ रहा है, तो इसको नीचे लाओ, सेम यहाँ चेक करते हैं, ये देखिए क्लिक, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको भी सेट करो इस तरीके से, ओके। उसके बाद चेक करते हैं क्या है, चेक करो, ओके, ठीक है। तो हमारे लिए ये हेयर रह गए, तो इनको हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप क्रिएट करो इन हेयर्स को, फिर इस तरीके से आओ और यहाँ से सेट करो, ठीक है, आई ड्रॉप क्लिक, और फिर एक ये लाइन है इसको क्रिएट करना है, ये वाली क्लिक एंटर क्लिक, ठीक है, फिर ऑफ करके देखते हैं, ठीक है, ये जो लाइन है हमारे पास आ रही है लाइन, तो उसको बैक अरेंज टू बैक, तो ये हेयर तो सही है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाले जो हमारे हेयर आएंगे कंट्रोल के साथ एक्स करते हैं और इसको कैप के साथ में एफ कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो शेप है वो इस तरीके का शो हो जाए। सेम ट्रिक जो है वो यहाँ अप्लाई करते हैं, कंट्रोल एक्स एंड कम कैप के साथ कंट्रोल एक्स के बाद एफ, ठीक है, कंट्रोल के साथ हो गया ये। उसके बाद हमें क्या करना है कि दूसरा डिजाइन क्रिएट करना है अपना जो होगा हमारा नेक का, तो यहाँ आते हैं दोबारा, ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, करो यहाँ पर नेक को लो, यानी सिक के नेक, और उसके बाद क्लिक करो अपने नेक को एंड इस तरीके से लॉक, ठीक है, इस तरीके से औरले के साथ क्लिक क्लिक, एंड यहाँ से इस तरीके से सिर दो क्लिक, ठीक है, फिर यहाँ से आओ और क्लिक किया एंटर, फिर पेन टूल से इसको सेट करो ये हल्का सा, ठीक, इस तरीके से, और आप इस तरीके से इसको भी जो हमारे पास शेडो जनरेट हो रही है रेड वाली, इसको भी इसी तरीके से जनरेट करोगे, तो हल्का सा ले लेगा सिग्नल शो, क्लिक इसी तरीके से यहाँ क्लिक, यहाँ पर आओ हल्का सा राउंड कर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्लिक एंड क्लिक, ठीक है, तो आई ड्रॉप लो क्लिक करो कलर हमारे पास जो है, तो ठीक है,
कोई बात नहीं, पेन टूल से मैंने इसको सेलेक्ट किया और कलर फिल चेक करो, जो हमने वर्क किया है वो ठीक है, ठीक है ठीक है, एंड इसको ऑफ करके देख लेते हैं, हमारी जो मेन लेयर है उसको ऑफ करके देख लेते हैं। ठीक है, इस पर हमें स्ट्रोक देना होगा, तो आप यहाँ पर स्ट्रोक दे सकते हैं ब्लैक, ब्लैक। फिर हमें इसी तरीके से टी शर्ट को क्रिएट करना है, तो आप फिर से इस पर अपना डिज़ाइन को है वो क्रिएट करोगे पेन टूल से। और यहाँ पर क्रिएट करो पेन टूल से इस तरीके से अपने डिज़ाइन के लिए। ठीक है, हाँ तो ये पूरा है हमारे पास, अगर हाँ पूरा ही है। चलिए मैं उसके लिए एनिमेट सीसी की बात बाद में करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और फिर यहाँ से क्लिक, यहाँ पर आओ क्लिक, फिर यहाँ से डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं इस तरीके से, ये क्लिक, ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरीके से लाते हैं, एंड यहाँ पर जो हमारे पास हैंड है इसी तरीके से लाते हैं, फिर क्रिएट करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर आए क्लिक किया, फिर ये डिज़ाइन है इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक, अब हमारे पास जो है शेप है, इन शेप्स को जो है हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ से इस शेप को इस तरीके से क्रिएट करोगे, यहाँ तक लाओगे, ठीक, इस तरीके से, एंड एंटर। फिर जो शेप है ये वाली क्लिक, फिर पेन टूल से यहाँ और क्रिएट करो एक से। ठीक, तो हल्का सा थोड़ा सा बाहर लेते हैं, बाद में हम सेट कर लेंगे। क्लिक एंटर, फिर पेन टूल से यहाँ और क्लिक, ठीक है, इस तरीके से एंटर। फिर सेम इसी तरीके से यहाँ लाओ क्लिक, क्लिक, ठीक है, ए और सेट करो। ठीक है, पेन टूल से ये डिज़ाइन को भी क्रिएट कर लेते हैं अपना जो डिज़ाइन है हमारे पास, एंटर, पेन टूल एंटर, इस तरीके से। ये ठीक है, एंटर। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास शर्ट है हमने क्या करा है, पहले नेक पे ही कर दिया सब कुछ, तो स्किप करना होगा हमें, सेट के साथ जो हमारे पास नेक है उसको हटाना होगा। ठीक है, सेट के साथ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ दे दो टी शर्ट, ठीक है, नाम दो टी, ठीक है, और यहाँ कंट्रोल एफ। फिर क्या करते हैं कि जो हमने क्लिक किया है अपना एक डिज़ाइन, यहाँ पर एक लेयर रहेगी ये वाली, कंट्रोल एक्स, एंड कंट्रोल एफ। फिर जो हमारे पास टी शर्ट है इसको ऑन कर लेते हैं, कलर देख रहे हैं आपको फिल दिख रहा होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स प्रेस करोगे, आई डॉट से इसको, सॉरी विदाउट आई के इसको ऑन कर दोगे, क्लिक करोगे, इसको फिल कर लोगे, ठीक है, एंड जो लेयर है हमारी इसको ऑफ कर दोगे, और इस लेयर को हम कंट्रोल के साथ क्लिक कर लेते हैं। और इस पे जो कलर है तो उसको हम, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कलर है एक्स नन, ठीक है।
फिर हमारे पास जो ये वाली लेयर्स है इन सबको ऑन कर लेते हैं, नेक है हमारे पास इसको भी ये कर लेते हैं, लेकिन नेक को ऊपर लेना पड़ेगा इस तरीके से। ओके डिज़ाइन, फिर हम यहाँ क्लिक करते हैं और आते हैं यहाँ, और फिर हमारे पास जो लेयर्स हैं इन सबको ऑफ कर लेते हैं। फिर से एक डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं जो हमारा होगा, यहाँ पर दे देना टी शर्ट, ठीक है। तो आगे का तो हम इसे फ्रंट कर देते हैं, ठीक है, टी फ्रंट। फिर जो डिज़ाइन ये दिख रहा है इसको यहाँ से हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे, इस तरीके से। फिर यहाँ से इस तरीके से, फिर ठीक है, आई ड्रॉप से क्लिक करो कलर, और ये डिज़ाइन दिख रहा है तो इस डिज़ाइन को भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, पहले से क्रिएट है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आओ, ये डिज़ाइन है, क्लिक, ठीक है, क्लिक क्लिक, फिर यहाँ आओ, क्लिक, क्लिक, ठीक है, इस तरीके से। फिर सेम डिज़ाइन जो है वो हमें यहाँ क्रिएट करना है, तो यहाँ लाए, क्लिक क्लिक, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आओ, क्लिक, ठीक है। अब कलर सेम जो है वो हमें फिल करना है यहाँ, और फिर सबको ऑन कर लेते हैं, अरे सॉरी, जो लेयर जहाँ की है उसको वैसे रहने देते हैं, इस तरीके से सबको ऑन कर लेते हैं, ठीक। आते हैं हम यहाँ, जो कलर है इसको स्टोक भी दे देते हैं साथ में, तो स्टोक है हमारा ब्लैक, फिर क्लिक, ठीक है, स्टोक ब्लैक, क्लिक क्लिक, स्टोक ब्लैक, ठीक है, यहाँ पर भी स्टोक ब्लैक, ठीक है। तो हमारा ये इतना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो गया। हमारे पास जो हैंड है ये, तो हमें इसको हैंड को लेके जाना पड़ेगा ऊपर इस तरीके से, ठीक है, और ऊपर जाएगा ये बिल्कुल टॉप पर इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद एक लेंथ थी यहाँ हमने जो क्रिएट की थी, वो लेंथ हमें शो नहीं हो रही, तो हमें उसे शो कराना पड़ेगा। तो पहले लॉक कर जो है वो उसको सबको अनलॉक उसे कर लेते हैं, और फिर चेक करते हैं लेंथ हमें शो क्यों नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आ रहे हैं, हम क्या करेंगे इसे, अच्छा ये कैप में जो है वो हो गई, कंट्रोल के साथ एक्स, कंट्रोल के साथ एफ, ठीक है, आप चेक करते हैं, फिर दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्लिक करते हैं यहाँ से, और पेंट टूल से ये जो डिज़ाइन दिख रहा है आपको, इस डिज़ाइन को हमें फिर से क्रिएट करना होगा इन हैंड, यहाँ तक हैंड के लिए इस तरीके से, फिर क्लिक किया इस तरीके से, ठीक है, एंड ओके। फिर क्लिक करो, और जो आपके पास हैंड है हमारे पास है, ठीक है, तो कलर करो यहाँ, आई ड्रॉप से फिल, कलर फिल कर लिया। उसके बाद जो आपके पास हैंड है, और यहाँ एक लेयर को क्लिक करो, यहाँ दे दो उसका शर्ट, टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट, और अपर है ये, तो अपर आर्म कर दो यहाँ पर, जिससे कि हमें ढूंढने में प्रॉब्लम फेस ना हो, इसको सिलेक्ट करो,
कंट्रोल एक्स कंट्रोल एफ, ठीक है, एफ सॉरी एफ सिलेक्ट कंट्रोल के साथ एक्स एंड कंट्रोल के साथ एफ, ठीक है, एंड इसको टॉप पे लेके जाओ। अब ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें सबको अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपर्टी सारे में। एंड यहाँ से इस शेप को इस तरीके से क्रिएट करो जिससे कि वो शो ना हो, एंटर। अब हमारे पास जो ये एक हैंड है इसको लॉक अनलॉक कर लो, एक हैंड और है ये वाला, तो इस हैंड को हम कंट्रोल एक्स करते हैं और इसके लिए भी एक लेयर अलग है बना देते हैं। तो ये हमारा है लोअर हैंड, ठीक है, तो यहाँ लोअर हैंड फिर कंट्रोल एक्स, और इसको नीचे ले आओ। तो कंट्रोल एक्स के बजाय कंट्रोल एफ के बजाय कंट्रोल वी कर दिया मैंने, इसलिए प्रॉब्लम फेस हुई। और यहाँ से यहाँ लाओ, ठीक। अब ये है हमारे पास, इसको इसके नीचे ले आते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो टी सेट के जो पार्ट है हमारे पास सब, ठीक है, जो टी सेट है हमारे पास, टी सेट ये हमारे पास, इन सबको अगर आप चाहो तो लॉक कर सकते हो, बट मैं भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी और डिज़ाइन को क्रिएट करना है। फिर आते हैं अपने ये वाला हैंड है, तो हम इस हैंड को भी इसी तरीके से क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन नाम जो है अभी डिफाइन कर देंगे। ध्यान दे रहा, क्लिक क्लिक, और यहाँ एक नाम दे देते हैं कोई सा भी नाम है इसका, RIGHT हैंड, ठीक है, क्लिक राइट हैंड, और इस पर कलर करते हैं कंट्रोल के साथ, इसको सिलेक्ट पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, और कंट्रोल एक्स कंट्रोल एफ, ठीक है, और इसको टी शर्ट के कैप के भी पीछे ले आते हैं और सेट कर चेक करते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन जो था हमारा वो क्रिएट हो गया। फिर हमारे पास पेंट पेंट है, तो यहाँ पर नाम दो पेंट, ठीक है, पेंट पेंट को भी जो है हमने सबको लॉक कर लेते हैं यहाँ से, क्लिक क्लिक, ठीक है। एक बेसिक शेप जो है मैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली जो भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कलर है, तो इसको ऑन कर लेते ऑफ कर देते हैं एक्स के साथ, ठीक है, इस तरीके से हल्का सा डिज़ाइन को शो करते हैं। थोड़ा सा नीचे से लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है यहाँ तक। फिर हल्का से यहाँ ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ क्लिक एंड क्लिक, ठीक है। कलर जो है हमारे पास ऑलरेडी है आई ड्रॉप का, फिट करो, और इसका स्ट्रोक जो है वो स्ट्रोक हमें देना होगा ब्लैक, ठीक है, इस तरीके से हमने ब्लैक कलर दे दिया एंड इसको इस तरीके से लिया। और जो हमारे पास ये डिज़ाइन दिख रहा है, इस डिज़ाइन को क्रिएट करना है, तो आप इस तरीके से इस डिज़ाइन को यहाँ पर पहले क्रिएट करोगे, क्लिक एंटर, फिर पेंट टूल से आओ और फिर दोबारा से यहाँ पर क्लिक एंटर, और फिर इसको मूव कराओ, ठीक है, एंटर। उसके बाद एल जो हमारे पास ये डिज़ाइन है इसको सेट करो, क्लिक फिर क्लिक, और इसको हल्का सा छोटा करो, कॉपी,
चेक कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टोव जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। आई ड्रॉप चले, आई ड्रॉप ठीक है, और उसके बाद कलर ब्लैक। ये जो है बाहर क्लिक करते हैं, और जो उसका सेलेक्ट सेलेक्ट कंट्रोल के साथ जे जी सॉरी जी, और उसके बाद क्लिक यहाँ पर आओ, और इसको यहीं पर इस तरीके से स्केल करो जिससे कि वो एक पर्सपेक्टिव व्यू में हमें शो हो। ठीक है, मूव कराओ यहाँ से इस तरीके से। सेम ये वाला डिज़ाइन है, तो हम यहाँ से इसको ऑल्ट के साथ यहाँ कॉपी करेंगे एंड इसको मूव करेंगे ऑल्ट के साथ यहाँ। सेम डिज़ाइन जो है वो सेट को भी हमें कॉपी प्ले जो पेस्ट है इसको डिज़ाइन को क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको भी यहाँ क्रिएट करोगे एंटर, फिर दूसरा डिज़ाइन लोगे आप यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ पर भी डिज़ाइन को क्रिएट करोगे। ठीक है, एंटर। ठीक इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, बाद में उसको सेट कर लेते हैं। पहले हम इसकी जो है कॉपी निकाल लेते हैं बीच से, ये है, और ऑल्ट के साथ कॉपी, और इसको यहीं ठीक है सेट कर लेते हैं इस तरीके, थोड़ा सा एंड क्लिक। ठीक है, तो ये कलर आ रहा है, हमें इसको क्या करना है ना चेक करो। ठीक है, इसको देखो चेक करके, ठीक है, सेम पेंट का जो है यहाँ पर ये वाला पोर्शन इसको भी क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप लोगे पेंट के लिए, हमने इसको डिज़ाइन को अलग से क्रिएट करा है, तो वो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर इसके डिज़ाइन को भी वो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से इस ठीक है कॉर्नर है, तो यहाँ कॉर्नर को से राउंड करेंगे। ये देखिए, ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो डिज़ाइन है वो ये तैयार हो गया। ठीक है, देखिए, तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा कि पेन टूल का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फ्रेंड फिर मिलेंगे अपने लिए, और जो है अपने कुछ टूल्स को लेके। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।